तो आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ज्यादा लेट नहीं, 3 बजने वाले हैं। 3 बजे हमारा खाना टेबल पे लगा है क्योंकि मम्मी ड्यूटी से लेट आई है। दोस्तों मेरा एडिटिंग भी बहुत लेट खत्म हुआ क्योंकि इस बार ब्लॉगिंग मम्मी पापा कर रहे थे तो उनका हिसाब से मेरे को सब क्लिप सेटिंग करना पड़ा। यहाँ पर ज्यादा लेट हो गया है, यहाँ पर मेरे को थंबनेल बनाना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा के रखा हूँ, क्लिप का अपलोड में लगा दिया है, वो अपलोड हो जाएगा। 4K है ना तो प्रोसेसिंग में लेट होता है, नहीं तो जब वीडियो बन जाता तभी छोड़ देता मैं, पब्लिक कर देता, इसलिए मेरे को शेड्यूल करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले मैं खाना खा लेता हूँ। दोस्तों बहुत लेट हो गया है, ज्यादा लेट होने से खाने से फिर डाइजेस्टिव जूस पहले रिलीज हो जाएंगे तो फिर खाना जो है अनडाइजेस्टिव हो जाएगा। तो पहले ठीक टाइम पे खाना चाहिए दोस्तों, जिस टाइम पे तुम हर दिन खा रहे हो उसी टाइम पे अगर खाओगे तभी तुम्हारा डाइजेशन अच्छे से होगा, अगर पहले खा लिए या बाद में खा लिए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है, आपके ब्लॉगिंग स्किल्स देख के मेरे को बहुत मजा आया। क्या तो ब्लॉग बनाए हो, वाह। एक दीदी को पूछ रहे हो कि आप क्या करने आए हो इधर? पर पिता कहीं है इस्चु? कोई सेंसेस बात? आप क्या करने गए थे मेरे को बताओ, आप क्या करने गए थे? वो भी तो वही करने गई थी क्या है? और वो बच्चे को तो जो वॉलीबॉल फुटबॉल बनाए हो, एक वो उठा रहा है, एक वो उठा रहा है, वो उठा रहा है, देखना बस देखना। तुम लोग क्या करना, पिछले वाला ब्लॉग का लास्ट वाला पार्ट देख के आओ एक बार, अगर नहीं देखा है लास्ट एकदम लास्ट द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग के बाद जो आता है मेरे मम्मी के दोस्तों ने क्या किया है वो बच्चों के साथ, बस देख के आओ। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। 2000 years later. रेडी हो? मैं भी रेडी हूँ दोस्तों। अभी बज रहा है शाम के 7:20 हो रहे हैं, 7:30 होने वाले हैं। हमारा प्लान था 6 बजे जाने का बाहर थोड़ा घूमने, उनका घर का कुछ काम है, घर का कुछ सामान लाना है दोस्तों, और बहुत दिनों से मैं मंदिर नहीं गया तो मेरी मम्मी मंदिर में मेरे को माथा टेका के लाएंगी, तो मेरे को जाने की कोई ऐसा जरूरत नहीं थी, लेकिन घर में बैठ के क्या ही शूट कर लेता तो बोला चलो बाहर ही घूमाते हैं तो कुछ तो कैप्चर हो जाएगा कैमरा से, कुछ तो कॉन्टेंट निकल जाएगा। चलो कॉन्टेंट निकाल के आते हैं। मम्मी आपके खेल घर में आ गए हैं, मम्मी का ड्यूटी प्लेस दोस्तों। फाइनली रीच गाइस फेवरेट साई मंदिर और बरगढ़। बरगढ़ में जो है दो साई मंदिर है, ओके, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, लेकिन ये छोटा वाला सबसे ज्यादा फेवरेट है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है नारियल और धूपकाठी का बिलिंग कर रही थी, उनको पता चला कि उनका 200 रुपये कहीं गिर गया है दोस्तों। अब 200 रुपये खोजने के मिशन में हम निकले हैं, कहाँ गया वो 200 रुपये दोस्तों? खोजो दोस्तों, तुम्हें दिख रहा क्या कैमरा में? ये वहाँ पर खड़े हुए थे ना, कहाँ पर है बताओ? मम्मी को पसीना दे दिया है दोस्तों, सच्ची में गिरा दिए हो क्या? हेंता लागू जी ने सच्ची में गिरा दिए हो? कन्फर्म हो? 200 रुपया है? हाँ घर जाने से पता चलेगा दोस्तों। ओह माय गॉड, दोस्तों आज भी घर के बाहर आए हैं लेकिन आज फूड कोर्ट जाने का कोई प्लान नहीं है, पहली बार हम बाहर आके फूड कोर्ट नहीं जाने, अच्छी बात है, ग्रेट सक्सेस, लेकिन यहीं आसपास से कुछ लेके चले जाएंगे। पूछा किसी ने? दोस्तों एक खुशखबरी देते हैं, पहले पंखा बंद करो फिर खुशखबरी देते हैं, पहले कुछ चीजें तुमको बताता हूँ। रास्ते भर मेरी मम्मी रास्ता भूली है, खुद का घर का रास्ता 5 बार भूली है दोस्तों, उनका माइंड इतना अपसेट हो चुका था क्योंकि देखो लोग 10 रुपए 1000 देते हैं इतना घूमते हैं, फिर मेरी मम्मी तो सुनो रास्ते में आते समय मेरी मम्मी क्या बोले, देखो जो तू 200 रुपए हजने खोने वाली बात बताया वो वाला क्लिप वीडियो में मत देना। बोलता हूँ क्यों? लोग क्या सोचेंगे, ए भाई 10 रुपए खो जाता है पूरा जगह हिला देते हैं, ये तो फिर भी 200 रुपए है। फिर सच्चाई सामने आई कि तेरा पापा को पता चल जाएगा। हाँ मम्मी, लेकिन घर आते ही मम्मी ने एक जगह चेक किया, 200 रुपए वहीं पड़े थे, है कि नहीं मम्मी? मिल गए दोस्तों 200 रुपए उनके। चिल, नाइस सस्पेंस, नाइस गाइस। मम्मी नाश्ता लेके आए हैं, अब खिला दो। ठीक है।
रहा तो जहाल दूसरे रो मिट गया। देखो पसीना देखो दोस्तों। ये नहीं कि 200 रुपए खो गया, ये कि पापा क्या बोलेंगे। और पापा कुछ बोलो कमेंट में। 14 तारीख की सुबह यानी कि दोपहर होने ही वाली है, 12 बजने वाला, फिर से फोकस गया दोस्तों, मेरा फोकस चला जा रहा है दोस्तों, मेरा फोकस नहीं जा रहा, देखो कैमरा का फोकस जा रहा है, देखो 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 आई थिंक वापस आ चुका है फोकस। तो देखो 12 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं, ओ 12:30 हो चुके हैं दोस्तों, मेरा विजन गया, वंडा का तो विजन जा ही चुका है, मेरा भी विजन चला गया। वाह, यहाँ पर मैंने एडिटिंग खत्म की है, ये है लास्ट क्लिप, ये लास्ट क्लिप उधर एड करेंगे, उसके बाद एडिटिंग खत्म, एडिटिंग जो भी। अभी दो अभी रोनित का कॉल आया था कि वो डीएल अप्लाई करना है कुछ, तो बोला है 16 तारीख का उसका स्लॉट निकला है, पर वो मैं 16 तारीख रहूंगा कि नहीं वो मेरे मम्मी आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हमको कहीं बाहर जाना है, मेरे दीदी के पास जाना है, जो हम पिछले के ब्लॉग में जो बताया था मेरी मम्मी ने कि तेरी दीदी के पास जाएंगे, तो वो दीदी के पास जाना है, शायद 16 तारीख जाना है, अभी 17 तारीख मेरे को नहीं पता, मम्मी आने से बताएंगी, डिस्कस करेंगे उनके साथ। नया ब्लॉग अभी स्टार्ट करना है, ये वाला ब्लॉग एंड कर देते हैं, तो एंड कैसे करते हैं दोस्तों, एंड कर दो, मुझे एंड मत करना, ब्लॉग को एंड कर दो, तो आज का ब्लॉग करते हैं ये पे एंड, मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, आज मेरे शब्द जो है अपने स्थिति में स्थापना नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, क्या संस्कृत, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही संस्कृत वर्ड यूज कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि महाभारत का प्रभाव हो रहा है मेरे जीवन में। इसी नोट के साथ महाभारत देखिए एक और बार, साल में एक बार महाभारत जरूर देखें दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक साल के लिए दूसरे साल फिर भूल जाते हैं, इसलिए फिर से देखना। जय राम जी की दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भावनियाली चोटो मोली भाली भाली काली नाई मुझी आंखी पोता। दोस्तों यह है बरगढ़ का डेली मार्केट, और इस जगह में अगर तुमको गाड़ी चलाना आ गया, तुम्हें दुनिया के हर कोने में गाड़ी चलाना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओह माय गॉड।